हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। मेरा नाम है कृष्णा खत्री और आप सभी लोगों का स्वागत एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें आप लोगों से मैंने ये बोला था कि आपके जो भी स्टडी के रिलेटेड डाउट है या फिर वीज़ा के ऐसे कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे जाके कमेंट सेक्शन में पूछिए और मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो होगा क्यू एन ए सेशन। तो आज का ये वीडियो पूरा होने वाला है क्यू एन ए सेशन में, मतलब जहाँ पर आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं उसके जो भी मैं आंसर से इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए हम जो है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं रहता हूँ प्राग चेक रिपब्लिक में, जो कि है कंट्री यूरोप में, और इस रिलेटेड यहाँ पर मुझे बहुत से क्वेश्चंस आए हैं। कुछ जो भी क्वेश्चंस है वो स्टडी के रिलेटेड है और दूसरे जो भी क्वेश्चंस है वहाँ के नॉर्मली क्वेश्चंस है। तो चलिए जो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आर्यन शर्मा पूछते हैं कि हैशटैग आस्क के। तो बाय द वे नाइस हैशटैग, थैंक यू भाई, आपकी वीडियो बहुत हेल्प करती है, थैंक्स भाई। 12th का रिजल्ट लेट आएगा तो एडमिशन हो सकता है क्या यूनिवर्सिटी में? तो मैं यहाँ पर आर्यन भाई आपको ये बता दूँ कि एडमिशन तो बिल्कुल हो जाएगा आपका यूनिवर्सिटी में, बट 2021 के जो भी इंटेक है वो ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके हैं क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके एडमिशन हुए और उनको कुछ लोगों को वीज़ा नहीं मिल रहा है, वीज़ा अंडर प्रोसेस है। और इसके साथ में अगर यूनिवर्सिटी और भी बच्चों को मतलब एडमिशन देगी तो इस तरह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक रहेगा, क्योंकि देखो बच्चों के लिए जगह तो है ठीक है, लेकिन एक स्लॉट होता है कि हमें पर्टिकुलर ईयर में इतने ही स्टूडेंट्स लेने हैं और कुछ इस तरह का यहाँ पर चल रहा है। लेकिन अगर आप श्योर हो कि मेरा जो भी आपका आपका जो भी 12th का रिजल्ट है वो इस पर्टिकुलर डेट को आपको मार्कशीट मिल जाएगी, क्योंकि इन दी एंड मैटर करती है आपकी मार्कशीट, क्योंकि उसे आपको अपोस्टल करवानी है, फिर उसको इवेल्यूएशन वगैरह करवाना है। तो अगर आप श्योर हो कि आपको इस पर्टिकुलर डेट को आपको जो भी मार्कशीट मिल जाएगी तो आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो ठीक है। और अगर आपका जब भी इंटरव्यू होता है तो आप उनसे कह सकते हो कि मैंने जो भी रिसेंटली 12th पास आउट किया है और मेरी जो भी मार्कशीट है इस पर्टिकुलर डेट को आ जाएगी, और उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है वो आप बाद में कर सकते हो। यहाँ पर जीत राणा बोलते हैं वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तो थैंक यू जीत राणा भाई। बंटी शर्मा यहाँ पर पूछते हैं कि ब्रो प्लीज़ मेक वीडियो ऑन हाउ वी कैन डील विद द यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन। गाइज, ये बहुत से लोगों का क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट एंड स्वीट में समझा देना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो होना चाहिए, बट फिर भी मैं बना दूंगा। लेकिन अगर आपका यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आपको क्रैक करना है तो गाइज ये कोई बहुत टफ एग्ज़ाम नहीं होता है, बहुत नॉर्मल सा एग्ज़ाम है, क्योंकि जब आप लोग आपका प्रीवियस ईयर का जो भी स्टडी आपने फिनिश करी है वो सबमिट करोगे तो यूनिवर्सिटी का डीन है, आपका जो भी पर्टिकुलर फील्ड का डीन है वो देखेगा कि आप लोग ने कौन कौन से इसमें से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं और आपको क्वेश्चंस उसी में से ही पूछेगा ठीक है। और अगर आप किसी और फील्ड में जा रहे हो तो ऑफकोर्स यार आपको उस पर्टिकुलर फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, फिर ऐसा नहीं आप लोगों को जो भी सामने इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा यूनिवर्सिटी में और अगर आपको उसका आंसर नहीं आया तो कहीं ना कहीं रिजेक्शंस भी आते हैं। बट अगर आप पर्टिकुलर सेम फील्ड से हो तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है और होने भी नहीं चाहिए ठीक है। यहाँ पर विवेक सिंह के काफ़ी सारे क्वेश्चन है तो वन बाय वन करके लेते हैं। व्हाट इज़ द एवरेज फीस ऑफ डॉर्मेट्री इन द प्राग? 2500 चेक क्राउन से लेके 4500 चेक क्राउन तक जो भी डॉर्मेट्री के रेट होते हैं वो सब जगह यही है। आपको 2500 to 3000 चेक क्राउन में आपको शेयर्ड रूम मिलेगा, मतलब आपको दो लोगों को शेयर करना है रूम, और 4000 to 5000 चेक क्राउन अगर आप पे करते हो आप तो आपको सिंगल रूम मिलेगा। ऑफकोर्स अगर आपको इतनी प्राइवेसी वगैरह की पड़ी है तो आप सिंगल रूम रह सकते हो ठीक है। हाउ टू फाइंड पार्ट टाइम जॉब एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर अराइविंग एट प्राग? मैं यहाँ पर हर बार से ये कहता आया हूँ गाइज, इतना भी ईजी नहीं होता। अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि एज सुन एज पॉसिबल, यार अगर आप एक बार कंट्री में आ रहे हो ना, देखो सबसे पहली चीज़ आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हो, एक सिटी से दूसरी सिटी में नहीं जा रहे हो ठीक है। तो आप यहाँ पर आओ ठीक है, पहले रहो, पूरी सिटी को एक्सप्लोर करो। आप के पास कुछ भी नहीं है करने का तो आप यूं ही निकल जाओ, आप सिटी में घूमो, आप खो भी जाओगे लेकिन आपको नेक्स्ट टाइम पता चलेगा कि हमें ये रास्ते से जाना है। अगर आपको यही नहीं पता कि हमें सिटी में कौन सी जगह कहाँ पर है तो आप जॉब के लिए कैसे जाओगे, क्योंकि जॉब एज सून एज पॉसिबल नहीं होता है यार। आप लोगों को बाहर निकलना पड़ता है, एक एक स्टोर, एक एक रेस्टोरेंट, एक एक जगह पे आपको खुद पर्सनली जाना है और उनसे जाके पूछना है कि आपके पास कोई जॉब अवेलेबल है। आपको KFC में अगर आपको जाना है तो KFC में जाके आपको वहाँ के मैनेजर से मिलकर आपको पूछना होगा कि क्या इस पर्टिकुलर एरिया में, क्या इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में KFC की कोई जॉब अवेलेबल है या नहीं। अगर वो कहता है कि नहीं है फिर भी आप लोगों को एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म फिलअप करके आपको दे देना है और जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो वो लोग आप लोग को कॉल करके बुला लेते हैं कि आप पर्टिकुलर इस एरिया के इस KFC में आप आए थे और यहाँ पर आपने जो भी पार्ट टाइम जॉब का फॉर्म भरा था, सो हमारे यहाँ पर वैकेंसी है, अगर आपको काम करना है तो आप इस पर्टिकुलर डेट को आइए
और आगे की जो भी प्रोसेस होती है वो आप लोगों को बता देते। बट एज सुन एज पॉसिबल नहीं होता यार, टाइम लगता है, ठीक है। मुझे पर्सनली भी 2 महीने लग गए थे जॉब ढूंढते, तो आप लोग समझ लो स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। वॉट आर दी स्टेप्स विच अ स्टूडेंट मस्ट फॉलो आफ्टर अराइविंग एट प्राग एयरपोर्ट टू सर्वाइव इन द इनिशियल डेज। तो अगर आप लोग यहाँ से जाते हो तो कोशिश करना कि यहाँ से आप किसी को जानते हो उसके कॉन्टैक्ट में रहो, क्योंकि आपको एयरपोर्ट पर यूनिवर्सिटी वाले तो शायद ही लेने आते हैं, बट आप लोग किसी को अगर जानते हो तो आप उन्हें एयरपोर्ट पर लेने बुला लो, क्योंकि शुरुआत के जो भी मतलब टाइम होता है आप लोगों को नहीं पता होता आपके डॉर्मेटरी वगैरह कहाँ पर है, तो आप एटलीस्ट आपके रूम तक पहुँच जाओ। उसके बाद में आप फिर नेक्स्ट डे आप जाके आपका ट्रैवलिंग पास बनवा सकते हो, या फिर आप बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हो, सारे एक दिन में काम निपटा दो। आप इंटरनेट कनेक्शन ले लो, सिम कार्ड ले लो, सबसे सबसे बड़ी चीज़ आप वहाँ पर जाके सबसे पहले आपका सिम कार्ड लो, क्योंकि वहाँ पर सबके पास लोकल नंबर होंगे, आपका इंडिया का नंबर तो कोई काम नहीं आएगा, ठीक है। निखिल सोलंकी यहाँ पर पूछते हैं कि वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, थैंक यू। वाइल गोइंग फ्रॉम इंडिया इज इट अ गुड आइडिया टू हैव एन इंडियन बैंक अकाउंट लाइक ICICI एंड यूज डेबिट कार्ड फॉर इनिशियल डेज। तो मुझे लगता है ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मैंने जो भी वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये कहा था कि आप लोग के जो भी फॉरेक्स कार्ड लेने चाहिए यानी, बट मुझे जहाँ तक पता है अगर आपके पास SBI का इंटरनेशनल कार्ड है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, ICICI का भी यूज़ कर सकते हो, बट SBI का रेट बहुत नॉमिनल है, ठीक है। लेकिन हाँ, आप उसे सिर्फ एज अ टैप एंड पे पे ही यूज़ करना, आप उसे करेंसी मत निकालना ATM से, वो बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन आप कहीं मॉल वगैरह में जाते हो तो आप शॉपिंग के लिए ऑफकोर्स आपका जो भी ICICI का कार्ड है वो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर इनका एक और क्वेश्चन है कि इस 15,000 to 20,000 IRR इज इनफ एट अ प्राग फॉर मंथली एक्सपेंसेस ऑफ अ स्टूडेंट। सो गाइस, ये डिपेंड करता है आप पे, बट हाँ ठीक है, आप जी सकते हो इतने 15,000 to 20,000 रुपये में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता वैसे। वॉट विल द टोटल 1 year एक्सपेंसिस नीडेड फॉर स्टडी इन चक्री पब्लिक, एंड दिस इज अ लिटल बिट डिफरेंट क्वेश्चन, इज देर एनी मॉस्क इन चक्री पब्लिक। सो यस, इट्स अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बता दूँ कि नहीं, चेक रिपब्लिक में कोई मॉस्क नहीं है, कोई टेंपल नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट व्हाट आई बिलीव इज, अगर आप किसी चीज़ को आप चाहते हो, आप किसी के लिए आप प्रे करते हो, तो उसके लिए शायद जगह मैटर नहीं करती। आप आपके रूम में भी आपके टाइम से प्रे कर सकते हो, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पर मॉस्क नहीं है। और 1 year का एक्सपेंसिस कितना होगा ये तो आप लोगों को जब आना है उसके पहले, आप कंट्री से बाहर निकलते हो तो एटलीस्ट 7 to 8 lakhs रुपीज़ आप मान के चलो। और नेक्स्ट ईयर आप लोग को वहीं पर फीस अगर आपको निकालनी है तो आपका डिपेंड करता है आपका कोर्स कौन सा है। जैसे कि लाइक मैं IT में हूँ तो मेरा यहाँ पर खर्चा थोड़ा कम है, बट इनकेस अगर कोई MBA वाला है तो उसका सामने जो भी खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है। वॉट टू बाय एंड वॉट नॉट एज अ स्टूडेंट बिफोर बोर्डिंग फ्रॉम इंडिया फॉर चेक रिपब्लिक, इसका बहुत जल्द मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे योगेश दत्त पूछते हैं कि अकोमोडेशन, सर अकोमोडेशन का यार मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि आप लोगों को जो भी वीज़ा फाइल रखनी है उसमें आपको एक आपका जो भी अकोमोडेशन सपोर्ट लेटर रखना होता है, ठीक है। और उसके बाद में सपोज़ आपने डिसाइड कर लिया कि आपको अप्रैल की 15th आप प्राग में पहुँच जा रहे हो, तो ट्राई करना 1 week पहले आप किसी भी कोई भी यूनिवर्सिटी की हॉस्टल आप बुक कर लो, क्योंकि ऑफकोर्स आपका जो भी बुकिंग पीरियड होगा वो पूरा 1 साल का होगा, 2-3 दिन का नहीं होगा, तो अकोमोडेशन ईजिली मिल जाता है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि क्या प्राग में जो भी मतलब डिलीवरी की जॉब होती है, मतलब फूड डिलीवरी की जॉब, वो अवेलेबल है या नहीं। तो गाइज, मतलब चेक रिपब्लिक में ऐसा है ना कि यहाँ पर इनके खुद के डिलीवरी के ऑप्शंस है, ठीक है। एक तो वोल्ट है और एक दूसरा है, आई थिंक दूसरे का नाम कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा, बट बहुत अच्छा नाम है, हिदलो ऐसा कुछ नाम है यहाँ पे, ठीक है। और ऊबर ईट्स यहाँ पर हुआ करता था, बट अभी ऊबर ईट्स नहीं है, कोरोना के पहले जो भी है ये ऊबर ईट्स बंद हो चुका है यहाँ पे, यही है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी वीडियोस के लिए। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।